रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो भी 10 पॉइंट हैं, सिर्फ हमको या तो ये सारी रेमेडीज अवेलेबल रहेंगी, या तो इनमें से कोई एक, या फिर जो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ये सारी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब एक बच गई थी, ये थर्ड वाली है ना, सूट अपॉन क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट की मीनिंग क्या होती है, जनरल रूल क्या बोलता है? देखो इसमें क्वांटम मैरिट का मींस लिख लेना कहीं पे, क्वांटम इसका मतलब होता है एज मच एज मैरिट, ठीक है? लिख लो कहीं पे एज मच एज मैरिट, या फिर एज मच एज डिजर्व्स, एज मच सॉरी एज मच एज डिजर्व। मतलब जितना उसने काम किया, या फिर जितने का वो हकदार है, डिजर्व करता है, या फिर जितनी उसकी कीमत, एज मच एज इज वर्थी ऑफ, है ना? एक और लिख सकते हो रीजनेबल वैल्यू ऑफ वर्क डन, जितने का काम किया उतना पैसा दो। ठीक, तो सिंपल सी मीनिंग है क्वांटम मैरिट की कि एक पर्सन उतना ही कॉम्पनसेशन रिकवर कर सकता है जितना, किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में उसने काम या सर्विस दी है। समझ में आया? ऐसे नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट आधे में छोड़ दिया और अब आपको कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, सामने वाला केस कर रहा है, लेकिन आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, और वो कितना, जितना आपने उसको काम करके दिया है। भले ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, लेकिन सामने वाले की अगर सिचुएशन कोर्ट समझती है और उस बेसिस पे उसने जितना काम किया है तो उतना कॉम्पनसेशन मिलता है, तो क्वांटम मेरिट मीन्स दैट अ पर्सन कैन रिकवर कॉम्पनसेशन, दैट अ पर्सन कैन रिकवर कॉम्पनसेशन इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन, इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन और सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। क्लियर हुआ क्वांटम मेरिट का मीनिंग? ठीक है, यस मैम। तो ये रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। ठीक, अब देखो चार सिचुएशन दी हुई हैं जिसपे हम ये अप्लाई कर सकते हैं क्वांटम मेरिट। ठीक है, अब पहली सिचुएशन क्या दिया है, या केसेस बोल सकते हो, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस है, हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसी में ये कंडीशन दी है। देखो ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट देखो, वेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जब आपको बताया जाता है, वेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ठीक, वॉइड क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब वैलिड नहीं है। ठीक है, अब वो क्या बन गया, वॉइड, ड्यू टू कुछ सिचुएशन की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट में जितना काम हुआ होता है उतने का उसको पैसा मिलना चाहिए, तो वहां पर भी क्वांटम मेरिट वाली सिचुएशन को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें, तीसरी सिचुएशन बोल सकते हैं, व्हेन समथिंग हैज डन, ये इरेज कर रही हूँ हाँ मैं, क्वांटम मैरिट वाला ये, तीसरी सिचुएशन देखो ये कहाँ पे यूज हो सकता है, व्हेन समथिंग हैज बिन डन
नॉन ग्रेशियसली, देखो नॉन GRATE that is has been done with the intention of getting payment. क्या होता है ग्रेशियसली और नॉन ग्रेशियसली, मैंने एक टॉपिक में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद आ रहा है? ये देखो ग्रेशियसली और नॉन ग्रेशियसली करके एक मैंने एक टॉपिक में ये डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, याद आ रहा है किसी को? ग्रेशियसली और नॉन ग्रेशियसली हमने बेलमेंट में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बेलमेंट में पढ़ा था हमने, अगर किसी को याद नहीं है तो रिवीजन कर लो। अब ग्रेशियसली क्या होता है, जिसमें नो रिवॉर्ड, कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, और नॉन ग्रेशियसली का मतलब रिवॉर्ड। बेलमेंट क्या होता है, सामने वाले को कुछ चीज देना। तो सपोज अगर हम स्कूटर वगैरह अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, आपके फ्रेंड को चाहिए स्कूटर वगैरह, आपने उसको दे दिया, उसने यूज किया, तो आप अपने फ्रेंड से कुछ चार्ज लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, तो वो हो जाता है ग्रेशियसली, जिसमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन सेम वही स्कूटर अगर आप किसी पर्सन को रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं, सपोज रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं, तो आप उसको फीस पे करेंगे, जो चार्जेस होंगे। तो सामने वाले के पास जब हम वो स्कूटर दे के आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा नॉन ग्रेशियसली, जिसमें रिवॉर्ड दिया जा रहा है या सामने वाले को पेमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉन ग्रेशियसली, देख लो व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉन ग्रेशियसली, ये नॉन ग्रेशियसली मतलब कोई एक, अब क्वांटम मेरिट पे कैसे एप्लीकेबल होगी, देखो क्वांटम मेरिट की मीनिंग ही मैंने बताया, जितना काम किया उतना पैसा, है ना, मनी, जितना मनी वर्थ, जितने का काम किया उतने का पैसा, और वो भी कौन सा, नॉन ग्रेशियसली, कोई ऐसा काम किया गया है पैसे की लालच में आकर के, हैज बिन डन विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग पेमेंट। अगर आपने किसी को स्कूटर रिपेयर करने के लिए दिया है, अगर उसने कंप्लीट रिपेयर नहीं भी किया है, अगर उसने उसका 50% ही रिपेयर किया, बाकी वो 50% रिपेयर नहीं कर पाया, तो भी उसने जो 50% किया है, आप उसको उतने हक का उसका पेमेंट देंगे। फोर्थ पॉइंट देखो इसमें, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, when the contract is divisible and the defaulting party performs a part of it, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिविजिबल होता है, डिविजिबल समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, डिविजिबल का क्या है, बटा हुआ है, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर बटा हुआ है, ए बी सी तीनों कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पोर्शन ए को करना था, कुछ पोर्शन बी को, कुछ पोर्शन सी को, तब मिलके पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है, तो उसमें क्या होगा, सपोज ए और बी ने कुछ पार्ट कर दिया, अब सी मना कर रहा है, तो ए और बी को उतने पैसे मिलने चाहिए जितना उन्होंने काम किया है, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल है। सपोज दूसरा एक एग्जाम्पल, कोई एक बिल्डर है, ठीक, उसको कॉन्ट्रैक्टर है वो, ठीक है, उसको काम दिया गया था 50,000 का, उसने कितने का काम किया, सिर्फ 10,000 का, ठीक। तो उसको उतना जो 10,000 की वैल्यू है उतने का अमाउंट मिलना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट जब डिविजिबल होता है और जो डिफॉल्ट पार्टी होती है, मतलब जिसको काम करता है, ठीक है, वो मना कर देती है, तो उसको भी जितना उसने काम किया उतने का उसको पैसे मिलने चाहिए। तो ये चार सिचुएशन होती हैं जिसमें क्वांटम मेरिट एप्लीकेबल होता है। किसी को डाउट है? अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें पहले
ये नॉन ग्रेशियसली वाला किस किस को याद नहीं था बताओ? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा था मेरा? नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, अब देखो यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। हमने क्या किया था, सॉरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो टाइप के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट से अपने जैसे एग्रीमेंट किया, फ्री कंसेंट किया था हमने, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब जो भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हमने किसमें स्टडी किए, यूनिट 1 में। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या था, इंडेमनिटी, गारंटी, अग्रीमेंट, बेलमेंट, ये सब हमने किसमें स्टडी किया, यूनिट 2 में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे, जनरल स्पेशल। तो ये दोनों हो गए अपने। अब अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट। आ रहा है समझ में अपन अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं? यस मैम। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल क्या होता है? ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन चलेगा अभी। सेल ऑफ गुड्स क्या होगा, सिंपल सिंपल सोचना है, बहुत सिंपल वे में करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत करना आप चीजों को। मैम सामान को बेचना। सामान को बेचना, ठीक। इट मींस एक होगा सेलर और एक होगा बायर। बायर, यहां तक कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। तो अब सेलर और बायर वाली सिचुएशंस पढ़नी है, फिर इसमें और कौन से टर्म्स होते हैं देखो। गुड्स हैं तो गुड्स डिलीवर होंगे, ठीक। फिर क्या होगा, गुड्स डिलीवरेबल हैं कि भी नहीं, ठीक है। बोलोगे मैडम ये तो फिर कंडीशंस आ गई इसमें भी। नेक्स्ट क्या आएगा देखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स क्या होगा, प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ की बात है, जो गुड्स बेचे जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो उस गुड्स के ऊपर जैसे आप लोगों का इनवॉइस बना रहता है ना, अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ शॉप करते हैं तो आपका, आपके नाम से आता है ना वो, उसमें आपकी एड्रेस रहती है कि नहीं रहती है? ठीक है, नाम रहता है। तो डॉक्यूमेंट जिसमें उस गुड्स में आपका नाम लिखा हो कि आपने इसको परचेज किया है, उसका प्रूफ, ठीक। ये आ रहा है समझ में जो बोला मैंने? यस मैम। ठीक है, इसमें क्या रहता है, रिसिप्ट वगैरह रहता है। जैसे सपोज अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन से कुछ सामान मंगवाया है, तो आपके फादर लोग एक वर्ड यूज करते होंगे, बिल्टी, ठीक है। तो बिल ऑफ लेडिंग, या अगर आपने रेलवे से कुछ सामान मंगवाया तो रेलवे की रिसिप्ट रहती है, या अगर आपने शिपमेंट से कुछ सामान मंगाया तो उसकी रिसिप्ट। तो वो रिसिप्ट क्या काम करती है बेटा, प्रूफ का काम करती है ना, कि आपने ये सामान खरीदा है, तभी तो आपके नाम पे ये क्या हुआ है, इश्यू हुआ है।
ठीक है, तो ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो ये टर्म्स हैं जो इसमें यूज होंगे. एक सेलर यूज होगा, एक बायर, तीसरा डिलीवर, फोर्थ डिलीवरेबल है कि नहीं, फिफ्थ है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, सिक्स्थ है देखो. अब ये सब कुछ है तो फॉल्ट भी होगा कि गुड्स डिलीवर नहीं भी हो रहा है, तभी तो अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना, कि कुछ गड़बड़ होगी सेलिंग में. तभी क्या, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने का मेन एम क्या था, कि आप कॉन्ट्रैक्ट में तो आ गए, लेकिन उसके बाद अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है, प्लस अब आपके पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए दिया गया था, सेम सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपको इसलिए ही दिया गया है कि अगर आप सेलिंग और बायर, अगर आप सेलर हैं बायर हैं, तो इन सिचुएशंस में सेलर और बायर की एक दूसरे की रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ठीक, तो फॉल्ट भी होगा, ऑब्वियस है, कभी कभी गलतियां होती हैं कि नहीं होती हैं, तो इसमें फॉल्ट भी इन्वॉल्व होगा. नेक्स्ट गुड्स इन्वॉल्व है, नेक्स्ट क्या इन्वॉल्व है इसमें देखो, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट क्या होता है, दिवालिया घोषित, दिवालिया घोषित हो जाना, किसी का बिजनेस ही बंद हो गया तो कैसे पेमेंट देगा या लेगा. फिर इसमें कोई एक एजेंट भी आएगा, थर्ड पार्टी ब्रोकर वगैरह, तो मर्सेंटाइल एजेंट बोल सकते हैं, ट्रेडर्स वगैरह जो आपको हेल्प करते हैं बिजनेस के लिए. ठीक, फिर इसमें एक टर्म आएगा प्राइस. प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, यस मैम, सिंपल प्राइस है कि नहीं, यस मैम. फिर प्रॉपर्टी, तो ये सब टर्म्स आएंगे इसमें. तो ये जो नेचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, नेचर यानी आप उसके फीचर्स बोल सकते हो, इन सबको बोल सकते हैं ना. सेलर बायर डिलीवरेबल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होगा, प्रूफ होगा. अब देखो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट, इसके ना कुछ कुछ वैरायटीज होती हैं. देखो अब देखो ये तो प्रूफ का काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई इनवॉइस वगैरह हो गया, तो एक होता है इसमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में फर्स्ट बिल ऑफ लेडिंग है ना, LADING. ये क्या होता है, ये रिसिप्ट दी जाती है, जब आप गुड्स परचेज करते हैं ना तो एक रिसिप्ट दी जाती है, और ये कौन देता है, शिप ओनर. सपोज अगर आपका सामान जहाज से आता है तो जो शिप ओनर होता है, ठीक है, वो देता है एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट. ठीक, काय के लिए, कैरेज के लिए, कि आपका सामान इसमें आ रहा है. एक नेक्स्ट स्टेप का डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं डॉक वारंट. इसमें डिटेल्स होती हैं, ठीक है, गुड्स की, कौन कौन सा सामान है, कितना कितना है. ये जब आप लोग शिप वगैरह में सामान भेजते हैं तो एक डॉक वारंट इश्यू होता है, आप उसमें एंट्री करवाते हैं कि इसमें देखो ये चीजें हैं और ये ओनर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और उस पर्सन का नाम भी मेंशन होता है जो उसको रिसीव करेगा. थर्ड देखो, डॉक वारंट के अलावा इसको वॉर्फ भी बोलते हैं. देखो डॉक ओनर इश्यू करता है इसको देखने के बाद, और इसको वॉर्फ, ये वर्ड याद रखना. ठीक, फिर देखो एक होता है गोडाउन वगैरह में, अगर अपन सामान रखवाते हैं तो जो वेयर हाउस का वहां पे रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी इश्यू होता है. जो किसान वगैरह होते हैं ना बेटा, वो लोग गोडाउन वगैरह में जब अपने सामान रखवाते हैं तो वेयर हाउस में उनके रखने का भी उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ इस किसान का ये सामान है. आ रहा है समझ में? तो वैसे ही दुनिया भर के बहुत सारे गोडाउन होते हैं. यहां तक कोई डाउट? नो मैम. अब नेक्स्ट देखो फोर्थ. नो मैम हो गए. अब फोर्थ देखो,
ये मैं ऊपर वाले ये सब फोर्थ देखो सर्टिफिकेट ये सेम सेकंड पॉइंट जैसे ये वाला ये डॉक वारंट जैसे ये देखो मैंने इसमें वॉर पाया था ना आप लोगों को ठीक ये जो वॉर्फ है ना दिख रहा है वॉर्फ हाईलाइट करूं पिंक देखो पिंक से हाईलाइट करूं ये देखो ये वॉर्फ तो वॉर्फ से ही बनता है वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट ये सेम गुड्स का स्पेसिफिकेशन ही रहता है इसमें ठीक नेक्स्ट देखो एक होती है रेलवे रिसिप्ट जब अपन रेलवे से अपने सामान भेजते हैं तो रेलवे रिसिप्ट हो गया एक और डिलीवरी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं जो फ्लिपकार्ट और वगैरह जो बताया मैंने आपको तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका नाम का होता है ये कुछ एग्जांपल्स थे उसके एक्चुअली आ रहे क्लियर है सबको यस मैम ठीक है तो ये टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज होगी किसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अब अपना नेक्स्ट इसमें देखना है अपने को देखो मैम हाँ मैम प्लेन से आता होगा उसका भी तो रहता होगा रिसिप्ट से हाँ ये डिलीवरी ऑर्डर बस या फिर उसको आप ये भी बोल सकते हो डॉक वारंट देखो डॉक वारंट किसके लिए यूज होता है शिप के लिए ठीक है वैसे ही डिलीवरी ऑर्डर्स वगैरह दुनिया भर का जो भी आता है बिल ऑफ लेडिंग था जैसे देखो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है देखो मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है और आज भी बता रही हूँ कि जब ये बुक बनी थी ठीक है तो ये बुक कब बनी थी और कौन से ईयर के अकॉर्डिंग बनी होगी और अब जो डिलीवरी या जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और बहुत सारे अपडेट आते जाते हैं जो आपके बुक्स में अभी तक अपडेट नहीं होते हैं आ रहा है समझ में तो बहुत सारी चीजें हैं तो ये सिर्फ कुछ वैरायटीज yes, एंड टाइप्स हैं हम इनको कंप्लीट नहीं मान सकते हैं ठीक है तो एक चीज आप लोग याद रखना अब आप लोग जैसे ठीक है स्कूल स्टूडेंट्स नहीं है कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो जो भी हम एक बुक में पढ़ते हैं वो कंप्लीट नहीं है याद रखना उसके आगे भी हो सकता है ठीक अब नेक्स्ट यस मैम अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं अपन तो अब अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक अब पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म तो करना है अब देखो फिर से कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया ना इसमें है ना तो कॉन्ट्रैक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है याद रखना अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है सेल करना है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म होगा तो सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट ठीक है सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस देखो क्या एक्सप्लेन कर रहा है सेल ऑफ गुड्स से क्या बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर ट्रांसफर करता है या अग्री करता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो किस में ट्रांसफर होगी गुड्स में ठीक है हम क्या पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट
तो ऑब्वियस है ना कि सेलर के पास है वो पहले, और बायर जब उससे खरीदने जा रहा है, देखो जब बायर खरीदने जाता है किससे, सेलर से, तो जब वो सेलर के पास है तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाई कि नहीं कहलाई, वो सेलर की प्रॉपर्टी है ना। ठीक, तो वो क्या करता है इसमें, सेलर एग्री करता है, ट्रांसफर करेगा या एग्री करेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसमें, गुड्स में, बायर को देगा कितने में, पैसों के लिए, फॉर अ प्राइस। देखो प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का होना नहीं है, आपके पास अगर आपका एक्टिवा या स्कूटर है तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, या अगर आप किसी शॉप के ओनर हैं और उस शॉप में जितने का भी गुड्स रखा हुआ है तो वो पूरा का पूरा गुड्स आपकी क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, जब बायर खरीदने जा रहा है सेलर के पास कुछ, तो वो सेलर की क्या है उस पॉइंट पे, प्रॉपर्टी है ना, और वो उसको सेल कर रहा है किसको, बायर को। फ्री में सेल करेगा क्या, नहीं, फॉर अ प्राइस। आ रहा है समझ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यस मैम, कहीं पे यस मैम, डाउट है किसी को, ठीक है। बताओ कोई डाउट, नो मैम, नो मैम, नो मैम।